सो व्हाट्सअप गाइज, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। ऑल दो हमारा प्लान तो था 12:30 बजे निकलने का, बट ऑलरेडी 1 बज गए हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ 12 बजे ओपन हो जाता है एंड शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। तो अब देखते हैं, यहाँ से बस लेंगे एंड जस्ट सामने ही जस्ट इधर जाके बस स्टॉप है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। तो इसलिए हम बस से जा रहे हैं यहाँ से और अभी देखते हैं कि एक्चुअली बस में एग्जैक्ट फेयर चाहिए होता है, तो देखते हैं अगर इधर से चेंज हो जाए, बिकॉज मेरे पे $50 नोट्स ही पड़े हुए हैं। देखता हूँ अगर इधर 10-10 या 5-5 के मिलता है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो लकीली हमें चेंज भी मिल गया, देयर वॉज एन इंडियन गाय जिसकी यहाँ पे शॉप है, उससे हमने $50 का चेंज मांगा एंड ही हेल्प अस आउट विद लाइक एवरी डॉलर बिल। ही गेव अस $2, $5, $10 बिल्स। तो अब ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, बस में ईजी हो जाएगा हमारे लिए जाना, क्योंकि सारे बिल्स आ गए। बिकॉज बस में यही दिक्कत है, या तो कार्ड चलेगा या फिर आपको एग्जैक्ट चेंज चाहिए, आपका वापस नहीं होगा जो भी आप दे दोगे। तो यहाँ पे ये बस स्टॉप है, यहाँ से अब देखते हैं कौन से नंबर की बस जाएगी यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिर वो जल्दी से लेते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिंगापुर का। तो यहाँ पे सारे डायरेक्शंस दी हुई हैं कौन सी बस जानी है। हमें लेनी है 123 टू बीच स्टेशन टेयर एंड हमें यहाँ पे जाना है विलेज होटल। एंड सिंगापुर के नोट्स बड़े मस्त हैं यार, देखो ये बिल्कुल प्लास्टिक करेंसी लगती है एकदम, बहुत शानदार। हाँ, कॉइन्स आर ऑल्सो गुड एंड एकदम प्लास्टिक नोट्स लगते हैं एकदम। तो वो हमारी बस आ रही है वहाँ से उधर 123 नंबर, सो वी हैव टू गेट इन दैट बस। विलेज होटल हाउ मच? 2%। 210। वेलकम टू यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, फाइनली वी हैव रीच्ड एंड काफ़ी कन्वीनियंट रहा, हम बस से आए हैं एंड इधर ही जस्ट कनेक्टिंग ट्रेन भी मिल गई हमें जो इधर रिजॉर्ट्स की चलती है एंड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में हम यहाँ पे पहुँच गए। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई जैम नहीं मिला, बहुत कन्वीनियंट रहा। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप टैक्सी से नहीं आना चाहते तो आप बस से आ सकते हो, डायरेक्ट यहीं उतारेगी आपको पास में एंड बहुत ईजी रहा हमें। तो अब देखते हैं टिकट्स वगैरह लेते हैं यहाँ से एंड इतना रश लग तो नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब 2015 में आया था बहुत ज़्यादा रश था, हर जगह एक एक घंटे की लाइन लगी हुई थी हर राइड पे। नॉर्मल टिकट जो है पर अडल्ट $81 पर पर्सन है एंड उसके अलावा अगर आपको जो सारी लाइन्स एंड वेटिंग पीरियड आपको स्किप करना है तो उसके लिए अलग से एक्सप्रेस पास मिलता है ओवर एंड अबव द नॉर्मल एडमिशन टिकट, तो वो अराउंड शायद $50 का होता है, $50। तो अभी हमें टिकट खरीदनी है इधर की यूनिवर्सल, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। सो सिलेक्ट, यस इट्स $81 वन डे टिकट। आज 30th April है ना? टू। सो प्रोसीड। We have got the tickets now. बहुत खाली है यार, आज एक्सप्रेस पास लेने की ज़रूरत ही नहीं लग रही बिकॉज कोविड की वजह से बिल्कुल भीड़ नहीं है एंड कोविड की वजह से कुछ राइड्स और कुछ चीज़ें इन्होंने बंद भी कर रखी हैं, जैसे रोड शोज वगैरह है वो बंद है इस समय कोविड की वजह से। अभी बिल्कुल यही रोलर कोस्टर है जो मैंने आपको बाहर दिखाया था ना, ये वही है। क्या है, बच्चों वाली राइड है, कुछ भी नहीं है। मजा आ रहा है। Oh,
The police van is coming to an oil! तो सच में बहुत अमेजिंग टाइम है यहाँ आने का, और मोस्टली बिकॉज यूनिवर्सल स्टूडियोज में इतनी ज्यादा रश रहती है। मतलब जो मेन राइड आ रही है, ये ट्रांसफॉर्मर्स राइड है, ये सबसे मस्त राइड है। लास्ट टाइम इस राइड में कम से कम हमें 1.5 घंटा वेटिंग करना पड़ा था, तो तब हमें समझ आया था एक्सप्रेस पास किस लिए ज़रूरी होता है। वो सारी लाइन को सिप कर देता है एकदम, क्योंकि कम लोग लेते हैं, क्योंकि कॉस्टली होता है। तो आज मेरे को बिल्कुल ज़रूरत लग नहीं रही, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक्सप्रेस पास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि रश ही नहीं है ज़्यादा। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर साइड में कितना टाइम लगता है। तो ये एंट्रेंस है ट्रांसफार्मर साइड की, एंड लिटरली ये लास्ट टाइम पूरा फुल था इधर से लेकर उधर तक, लेकिन 1.5 घंटे के बाद भी इट वॉज वर्थ इट, कि इतनी कमाल की राइड। आई डोंट नो मैं कैमरा में शो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बिकॉज डिपेंड करता है कितनी तेज राइड होगी। और मेरे को याद भी आ रहा है ऐसा, एक तो कैमरा होल्ड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट अगर पॉसिबल होगा तो जरूर रिकॉर्ड करूँगा। सो फाइनली वी आर बैक फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स राइड, और हमारा रिव्यू यही रहेगा कि चाहे 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा वेट करना पड़े, लाइन में ज़रूर वेट करना। मतलब सच में पूरी वर्थ है राइड करना। हम सोच रहे हैं वापसी में एक बार दोबारा जाएं, क्योंकि आप कितनी बार भी जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ज़रूर ट्राई करना ट्रांसफार्मर्स राइड, और ये ट्रांसफार्मर्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे पिक्चर ली थी, ये रोलर कोस्टर्स है, एंड ये मैंने लास्ट बार ट्राई किया था। 2 रोलर कोस्टर हैं शायद, एक ये रेड वाला है और एक वाइट वाला है। मैंने लास्ट टाइम शायद ये रेड वाला गैलेक्टिका करके ऐसा, तो वो ट्राई करा था। जरूर ट्राई करना ट्रांसफार्मर्स राइड। एंड मैं शूट इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज एक तो 3D में था, एंड हमें 3D ग्लासेस दिए गए थे, एंड ऊपर से शूट करना भी अलाउड नहीं था। ये देखिए रोलर कोस्टर राइड, ये देखो बैठना है इस पे। हाँ ये देखो, ओ माई गॉड। चले देविका इस पे चलते हैं, चलो पहले रोलर कोस्टर चलते हैं, चलते हैं ना। मान ही नहीं रही है यार, मैं तो तैयार हूँ तुम्हारा बैठने के लिए। और मैं अपना रिस्ट बैंड भूल गया इसका, ऑस्मो एक्शन कैमरा का, वरना रिस्ट पे लगा के कैमरा यूज कर लेता रोलर कोस्टर पे। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मैं रूम में ही भूल गया अपना, मेरे को याद था, बट मैं जब इधर पहुंचा तो मेरे को याद आया रोलर कोस्टर देख के कि उधर ही रह गया रूम में, तो आसानी से शूट हो जाता। देखते हैं अगर इसको थोड़ी देर में बनाता हूँ, अगर इसका मन करेगा तो देख लो, सोच लो। हाँ मैं इस पे बैठा, ये वाले पे, हाँ ये पिंक वाला यही है, देखो इस पे बैठा था मैं। एक्चुअली बता रहा हूँ, जब मैं बैठा था लिटरली फट गई थी मेरी, बहुत डरावनी राइड है। ऑल्दो ये छोटा रोलर कोस्टर है, बट मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था मेरा रोलर कोस्टर का, बट अमेजिंग था। और सच बता रहा हूँ, शायद अगर 30-40 सेकंड की राइड होगी तो मुश्किल से मेरी 5 सेकंड आगे खुली थी जब मैंने इस पे राइड किया था, तो एक्चुअली बहुत स्केरी था। हाँ भाई, ये जो बच्चों वाली राइड होती है, पहले बचपन में नहीं करते थे, जो बचपन में करते थे ऐसे ऐसे चक्कर मारता है, ऐसे टाइप का ही कुछ होगा। अच्छी खासी स्पीड है, बहुत तेज स्पीड है, दोनों को अपना वो भी घूम रहा है। ये रहा मम्मी वाला, इधर फिर से वही पंगा है, कुछ भी चीजें अलाउड नहीं है ले जाना, तो लॉकर में रखना पड़ेगा सारा चीजें। तो पहले फिर राइड पे जाते हैं, फिर आपसे आके मिलते हैं। अब फिलहाल तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मम्मी वाले में। क्या है, इंडोर रोलर कोस्टर है, मतलब उम्मीद नहीं थी इतना ज्यादा तेज, जैसे ये रोलर कोस्टर देख रहे हो आप ऊपर, उतना ही तेज इंडोर में बना हुआ है। बस ये अच्छा है, डर इसलिए थोड़ा कम लगा बिकॉज इंडोर में है, था इसलिए दिख कम रहा था, इसलिए डर कम लगा, बट अदरवाइज बहुत तेज रोलर कोस्टर है। मतलब इंडोर भी इतना तेज हो सकता है उम्मीद नहीं थी, एंड कैमरा शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो इधर इन्होंने लॉकर बना रखे हैं फ्री ऑफ चार्ज,
60 मिनट्स तक के लिए फ्री हैं, तो आप फ्री अपना जो भी बिलोंगिंग्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं आएगा। तो हमने ये बैकपैक लिया हुआ था, ये आ गया इस लॉकर में, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा बैकपैक नहीं आ पाएगा, तो मेक श्योर इससे ज़्यादा बड़ा आप कुछ कैरी ना करो। बट एक घंटे तक के लिए इधर आप स्टोर कर सकते हो फ्री, एंड वापस इधर से कलेक्ट कर सकते हो। एंड अब देखते हैं आगे जुरासिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, बाहर देखते हैं कैमराज वगैरह अलाउड हैं कि नहीं। इस रोलर कोस्टर के बाद तो देवी का मान जाएगी वाले रोलर कोस्टर में जाने को, बट सच में बहुत स्केरी था, इंडोर था बट बहुत स्केरी था। आज एक्चुअली मज़ा आ रहा है क्योंकि सब राइड्स में जा पा रहे हैं। लास्ट टाइम तो दो चार राइड्स में गए थे एंड पैसे वेस्ट गए थे बिकॉज भीड़ इतनी थी, हमें उस समय पता नहीं था एक्सप्रेस पास भी कुछ चीज़ होती है। लास्ट में जब ऑलमोस्ट एक दो घंटे बचे थे तो हमने सोचा अब क्या फ़ायदा लेके, क्योंकि पूरा दिन तो बीत गया था। तो अब जा रहे हैं लॉस्ट वर्ल्ड में, जुरासिक वर्ल्ड बोल रहा था बट उसका सही नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड, तो उसमें जा रहे हैं। अब देखते हैं क्योंकि मैंने वीडियोज़ वगैरह में तो देखा है काफ़ी अच्छी है, बीच में बोट चलती है, पानी है, एंड लेफ्ट और साइड में वो 3D टाइप की स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो उसमें डायनासोर वगैरह दिखते हैं कि ऐसे आप पे आ रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे चल के कैसा है। अब देखते हैं उधर जा रहे हैं, पहले वाटर राइड के लिए जो जुरासिक पार्क वाली फेमस है, बट उसके लिए हमें रेनकोट खरीदना पड़ेगा बाहर से, वो देखते हैं कितने का मिलता है, क्योंकि वो रेनकोट के बिना जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है रेनकोट ही खरीद लें। ये $5 के हैं, तो हमने ये डिस्पोजेबल रेनकोट्स ले लिए हैं। ऑल दो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है यार, $5 की वर्थ नहीं लग रही एक रेनकोट की, तो $10 के पड़े हैं हमें, $10 के। ये सिंपल सा डिस्पोजेबल रेनकोट है ताकि भीगे ना। यहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड में अगर आप लॉकर में अपना सामान रखोगे तो $4 पर आर का चार्ज है, बट यहीं पास में मम्मी वाला जो बना हुआ है एरिया, वहाँ पे लॉकर फर्स्ट 60 मिनट्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, तो हमने वहीं रख दिया दोबारा से, पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा बेहतर है। एंड ये डिस्पोजेबल हमने रेनकोट भी ले लिए हैं, ये $5 का मिला एक हमें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज भीग जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, एंड आगे भी फिर घूमने में दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा अभी कवर करना बाकी है, अभी तो 3-4 राइड्स ही हुई हैं। एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में हो एकदम लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स में हो, एकदम ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए फ़ायदा रहेगा अगर आप लूज़ और कंफर्टेबल क्लोथ्स में होगे। जैसे मैंने अभी जो यूनिक्लो से अपनी टी शर्ट और जीन्स ली थी, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, एंड तो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि मैंने ये चूज़ कर ली। फाइनली हमने रेनकोट पहन लिया, अब अंदर चलते हैं राइड की तरफ। तो रश तो बहुत ज़्यादा है इधर, मेन से काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा है यार, बिकॉज फिर बहुत फेमस राइड है ना, मेन फेमस राइड्स पे ज़्यादा रश होता है। चलो, यू आर अबाउट टू बी ट्रांसपोर्टेड बैक इन टाइम टू अ टाइम व्हेन डायनासोर्स रूल्ड द वर्ल्ड। यू आर अबाउट, back to the unload area immediately. अब थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है ना। Rapid.
ये अच्छा था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो जितनी देर की वेटिंग थी उतना वर्थ तो नहीं था, इतना कुछ खास नहीं है जितना हाइप बना रखी है, बट हाँ एक बार ट्राई करने के लिए अच्छा है, जरूर जाना। और कपड़े जरूर भीगेंगे भीगेंगे, चाहे रेनकोट पहन लो, कपड़े बच जाएंगे तो शूज जरूर भीगेंगे, बिकॉज मेरे पूरे शूज भीग चुके हैं अच्छी तरह से, बिकॉज रेनकोट ने तो कपड़े कवर कर लिए थे, बट शूज कवर नहीं कर पाए, तो अनफॉर्चुनेटली शूज भीग गए हैं। वैसे इधर ड्राइंग पॉट्स भी दे रखे हैं कुछ चार्ज दे के, तो आप ड्राई कर सकते हो अगर इनकेस रेनकोट यूज नहीं करते तो। तो इधर इन्होंने एक एकदम इंडियन शो के लिए एक जगह बना रखी है, तो पूरे इंडियन गाने वाने चल रहे हैं इधर, एंड इंडियन शो होता है पूरा, मस्त एकदम। अभी चल रहा था, अभी हमने देखा घाघरा घाघरा जो गाना फेमस है वो इधर अभी चल रहा था, बिकॉज इंडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है टूरिज्म में सिंगापुर के लिए, तो इसलिए इन्होंने अलग से इंडिया के लिए दे रखा है, एंड इधर इंडियन गाने ही बजते रहते हैं। सो मोस्टली हमने कवर कर ही लिया है यूनिवर्सल स्टूडियोज, कुछ राइड्स थी जिसमें हम नहीं गए, बिकॉज वो था ज्यादा ही बच्चों वाले मतलब की थी, इसलिए हमारा मन नहीं किया, बट मेजर राइड्स हमने कवर कर ली। हो सकता है मैंने कुछ दिखाई भी ना, बिकॉज बहुत जगह रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, एंड इज इट वर्थ द हाइप, आई वुड से येस। और आप ज़रूर आना, एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, एंड इस टाइम पे इसलिए भी अच्छा है, हम जस्ट अप्रैल एंड में आए हुए हैं 2022 में, इसलिए भी अच्छा है बिकॉज कोविड के बाद जस्ट अभी रिस्ट्रिक्शंस खुले हैं सिंगापुर में, एंड टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, तो भीड़ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए भी मैं प्रेफर कर रहा था यहाँ पे आना अभी। एंड एक्सप्रेस पास मैं तभी रिकमेंड करूँगा, पहले आप एक बार अंदर आके देख लो भीड़ के अकॉर्डिंग की राइड में कितना टाइम लग रहा है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तभी आप एक्सप्रेस पास लेना, जो आपको सारी जो लाइन्स होते हैं वो स्किप करा देगा, अदरवाइज आप नॉर्मल एडमिशन टिकट जो है उसमें सारी राइड्स ऑलमोस्ट कवर होती हैं, तो उसमें भी आ सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं है। सो येस, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आना, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। एंड बाकी इसी के साथ करना चाहूँगा आज का ब्लॉग, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ येस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।